दाना यहाँ जो आप लगातार देख रहे हैं समर संघ के टेन गोल्डन रूल्स दस विनय दस नियम पहला है केवल समर जिसको हमने दो तीन दिन पहले एक्सप्लेन किया और जिसका वीडियो आज लग गया दूसरा आज एक्सप्लेन होगा चंदा कभी नहीं यानी चंदा कभी नहीं लेगा पब्लिक से तीसरा है जाति का अभ्यास कभी नहीं करेगा समर्थस या समर्थ संघ चौथा है समर्थ संघ में केवल संघवाद चलता है व्यक्तिवाद संगठनवाद प्रधानवाद अध्यक्षवाद कुछ नहीं चलता पांचवा है समर संघ में पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं छठा है समर संघ का किसी भी तरीके से कभी भी कोई रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कभी नहीं सातवां है संघाति से सबसे ऊपर यानी जो संघ के आदेश हैं वो सबसे ऊपर होते हैं आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा नौवा है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं यानी जो संघ घात करेगा संघ को तोड़ेगा उसकी वापसी संघ में कभी नहीं दसवा है उपरोक्त तो नौ विनय संघ का आधार है ये ना कभी बदले जाएंगे ना ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे मतलब ये जो दस के दस नियम हैं और विनय हैं ये ऐसे नियम हैं जो समण संघ का प्रियम बल है और ये आज ठीक तेरह महीने और एक दिन की कड़ी मशक्कत के बाद बहुत ज्यादा मेहनत के बाद हाउस के अंदर मेजोरिटी से पास होते होते यहां तक फिल्टर होते होते आए हैं जिसमें सभी की भागीदारी रही जितने भी समर्ण हैं सभी ने इन नियमों को बनाया और पास किया और सभी इसकी रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं ये वो नियम है जो अगर बदलेंगे तो समर्ण संघ समर्ण संगठन बन जाएगा खत्म हो जाएगा ये वो नियम है कि अगर जरा भी इनको कोई अमान्य करेगा तो ये सारा का सारा सिस्टम समर्ण संघ का कोलेप्स हो जाएगा गिर जाएगा खत्म हो जाएगा इसका जो दूसरा नियम है समर संघ पब्लिक से कभी भी चंदा नहीं लेगा दरअसल जो चंदा है वो शब्द जो होता है पुराने समय में पाली में बुद्ध के समय उसको छंद बोला करते थे छंद माने होती थी छंद को बाद में संस्कृत करके कहने लगे इच्छा यानी छंद माने हैं कि आपकी इच्छा क्या है आपकी क्या मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं तो छंद का मतलब इच्छा हो गई कि जो इच्छा है और छंद से छंद को बोट बोला करते थे बाद में बुद्ध के समय जब बुद्ध ने प्राधिकरण बनाया अधिकरण बनाया और बाद में इस छंद का चंद हो गया और चंद से चंदा हो गया और बाद में छंद का स्वच्छंद हो गया स्वच्छंद का मतलब है निज इच्छा से यानी कि जो किसी को कुछ निज इच्छा से दे या कोई काम करे या कोई बात करे तो स्वच्छंद हो गया इसको स्वच्छंद वातावरण भी बोलते हैं कि ऐसा वातावरण जो पूरा दिल को खुश करने वाला हो और जो अच्छा हो जो अच्छा लगता हो तो ये जो चंदा शब्द है ये पाली में नहीं मिलता पर पाली में छंद मिलता है पर छंद का चंद होते हुए तो होते चंदा बन गया और ये चंदा हमारे लिए जहर बन गया बहुत सारी बातें बहुत सारी चीजें समर संघ ने जो बताई हैं हैं की उनमें दूसरे नंबर की ये बात है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऐसी बात है कि आज मैं एक किसी व्यक्ति के पुण्य मोदन में दिल्ली में गया और वहां पर मेरे से एक संगठन का आदमी लड़ बैठा यानी उसने मेरे को गालियां भी बकी वो ये कहता है कि भाई तुमने चंदा बंद कराने की अपील क्यों की है क्यों संघ चंदा लेने और ना देने की बात करता है तुमको नहीं लेना है तो मत लो पर हमारा क्यों बंद करते हो तुम्हारी वजह से हमें लोग पैसे देने में बंद कर दिया और वो तुम्हारा नाम लेते हैं कि जी समरसंघ वालों ने कहा है चंदा ना लेंगे और ना देंगे तो मैं समझ गया कि ये गुस्से में है आदमी क्योंकि इसका जो चंदा बंद हुआ है यह उस चंदे को सार्वजनिक से व्यक्तिगत बना चुका है यानी जो पब्लिक का पैसा है उससे व्यक्तिगत पैसा बना चुका है इसलिए मेरे को गाली है अगर ये सार्वजनिक चंदा लेता होता और सार्वजनिक काम की आता तो ये मेरे को गाली नहीं बकता ऐसी गाली किसी भी समर संगी को कहीं भी मिल सकती है इसलिए किसी समारोह में या किसी संगति में या कहीं सम्मेलन में आप जाए तो थोड़ा सावधान होकर जाए और कोलाइट होकर जाए कि आपको कोई भी बदतमीज़ कर सकता है अगर आप उसको बताएंगे कि आप समर संगी हैं तो चंदा जो होता है सबसे पहले ये देखें कि चंदा बुद्ध के समय में कैसे होता था क्योंकि बुद्ध के समय में भी काम चलता था और बुद्ध ने भिक्कु संघ और भिक्कुणी संघ बनाए और भिक्कु संघ और भिक्कुणी संघ कोई काम नहीं करता था बुद्ध ने उनको कोई काम करने के लिए वैसे तो वो बहुत काम करते थे बड़ी मेहनत करते थे अपनी झोंपड़ियां बनाते थे अपने लिए टॉयलेट बनाते थे अपने रास्ते साफ करते थे जंगल साफ करते थे जाकर एक पूरा बैठने का सिस्टम बनाते थे अपना कपड़ा भी बुनते थे यानी सारे काम वो अपने खुद करते थे पर कमाई का, का काम नहीं करने देते थे उनको यानी कि वो जो आजीविका है आजीविका से वो मुक्त थे वो कोई व्यापारी काम व्यापारी गतिविधि नहीं कर सकते थे उनकी सिर्फ एक गतिविधि थी कि समाज को पढ़ाना समाज को समझाना समाज को जागरूक करना यही उनका काम था और इस पढ़ाने के और जागरूक करने के बदले में उनको खाना लेने का नियम बुद्ध ने बनाया यानी कि उनको सोना नहीं ले सकते थे रजत नहीं ले सकते थे चांदी नहीं ले सकते थे कोई धातु नहीं ले सकते थे उस समय रुपया नहीं था पर कोई ऐसी कीमती चीज नहीं ले सकते थे कोई भी सिर्फ खाना ले खाना ले सकते थे और खाने का भी नियम ये बनाया कि पहले आप पढ़ाओगे उस दरवाजे पे खड़े रहोगे वो खाना देता है तो ठीक है नहीं तो दूसरे दरवाजे पे जाओगे और उससे खाना मांगोगे नहीं वो देख ले देख लेता है तो ठीक है खाना देगा और एक ही बर्तन में खाना लेना है पांच घर तक जाओगे पांच घर तक अगर सफिशियंट खाना मिल गया एक घर से मिला या दो से मिला जब जैसे ही आपको सफिशियंट जितना खाना पूरा चाहिए भिटू के लिए उतना मिल गया वापिस आ जाओगे और हर एक खाने को एक ही बर्तन में डालोगे और उसमें खाने को मिक्स करके खाओगे चाहे किसी ने कुछ भी दिया है खाने का और पांच घरों में अगर खाना नहीं मिला तो उस दिन भू हड़ताल उस दिन परी जो व्रत है उस दिन व्रत हो जाएगा उस दिन भोजन का व्रत हो गया और उस दिन अपने वापिस आना है ऐसा नियम उन्होंने बनाया और कैश सोना चांदी या कोई धातु कीमती कोई भी भिक्कू नहीं ले दे सकता ऐसा नियम बनाया फिर भी उनके जो कपड़े वगैरह होते थे वो दान वगैरह में आते थे जो संघों को दान मिलता था तो उसका भी नियम बनाया उन्होंने नियम बनाया कि जितना भी जो भी दान देता है वैसे तो उनका नियम था कि जो कपड़ा उनको कूड़े पर पड़ा हुआ मिल जाता है कूड़े पर पड़ा हुआ कपड़ा जो बेकार जिसको लोग फेंक देते हैं उसको वो उठाते थे उसको फिर वो सिलते थे हड्डी की सुई से और हड्डी की सुई से सिल के उसको फिर पेड़ की छाल से घोल कर उसको उबालकर रंगते थे ताकि वो एक रंग का हो जाए वो कासाय बन जाए बेकार से रंग का बन जाए और फिर उसको वो पहना करते थे उसको चीवर चादर बोला करते थे पर बाद में जब भिक्खुओं को लोगों ने दान देने शुरू करिए कपड़े दान देने शुरू किए तो उन्होंने दान का नियम बनाया पर कोई भी भिक्कुर कितना भी दान आवे उसको अपने पास नहीं रख सकता वो एक स्टोर रूम था जहां पर वो जमा होता था आनंद उसके मैनेजर थे और उसका नियम बनाया कि एक दो जोड़ी से ज्यादा चीवर नहीं रख सकता एक धोके सुखाने के लिए और एक पहनने के लिए और अगर चीवर पुराना होता है तो उसका चादर बनाना पड़ेगा ओढ़ने की और बिछाने की ज्यादा पुराना होता है तो पर्दा बनाना पड़ेगा खिड़की का दरवाजे का ज्यादा पुराना होता है तो तौलिया बनाना पड़ेगा और ज्यादा पुराना होता है तो फिर उसका जो पैर पहुंचने का जो नीचे पायदान है वो बनाना पड़ेगा और उसके बाद अगर और भी ज्यादा पुराना होता है तो उसको मिट्टी में मिला के उसका बर्तन यानी ढलना बनाना पड़ेगा और भी ज्यादा पुराना होता है तो उसको फिर दिए की बाती में लेके जलाना पड़ेगा यानी कि वो उस कपड़े का जब तक पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए तब तक भी वो इसका इस्तेमाल करते थे ये वहां स्टोर रूम का नियम था और किसको कितने चीवन कहीं मिले हैं अगर दान में तो सारे के सारे वो स्टोर रूम में जमा कराने होते थे यानी जो दान होता था वो संघ का दान होता था व्यक्ति का या भिक्खू का दान नहीं होता था वो उसको संघ में जाके जमा कराना पड़ता था ऐसा नियम था इसीलिए यहां जब हम खाना इकट्ठा करते हैं तो वही संघ दान की परंपरा है यानी खाना कोई भी कुछ भी लाए चाहे चार पराठे लाए या छह लाए या आठ लाए या दस लाए या खीर लाए या या कोई लस्सी लेके आए या अचार लेके आए वो खाना सारा का सारा इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद में मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद सबको मिलता है जिसको जितना मिल जाए उतना ठीक और सारे मिलके खाते हैं और अगर कम खाना है तो कम कम खाते हैं और अगर ज्यादा है तो पूरा खाते हैं और बच जाए तो उसको किसी को दान कर देते वही नियम यहाँ समर्थ संघ के अंदर अप्लाई हुआ है और वही नियम कार की शेयरिंग में है कि कार में आएंगे जाएंगे तो मिल बैठ के आएंगे मिल बैठ के जाएंगे तो बराबर का पैसा देंगे जिसकी कार है उस पर वजन नहीं पड़ना चाहिए ये सारे नियम वही पुराने नियम है जो चलते आ रहे हैं तो यहाँ जो हम सिस्टम पुराना सिस्टम है वही पुराना सिस्टम यहां है क्योंकि हम भिक्कू नहीं है हम भिक्णी नहीं है हम उन बुद्ध से भी पुराने जो नियम है उन नियमों पर आधारित चलते हैं क्योंकि हम ग्रस्त लोग हैं ग्रस्त वाले लोग हैं हमारी घर गर ग्रस्ती है तो हमारे नियम उसी हिसाब से हैं जो पुराने समर संघ में चला करते थे बुद्ध से पहले जब बुद्ध और बुद्ध के पिताजी ग्रस्त होते हुए वहां पर नियमों का पालन करते थे वही नियम हमारे हैं तो समर संघ चलाने के लिए पैसा चाहिए कोई भी आदमी अगर यह कहता है कि समर संघ चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए तो गलती पर है पर समर संघ चंदा नहीं लेता ये बात भी सही है समर संघ पब्लिक से चंदा नहीं लेता ये भी बात ठीक है पर समर संघ के जो एक्टिव मेंबर हैं वो अपना खर्चा खुद उठाते हैं यानी संघ का खर्चा वो खुद उठाते हैं ये बात भी ठीक है जो लोग इसमें एक्टिव मेंबर हैं जो इसके अंदर अंदर आकर काम कर रहे हैं उनको पता है कि समर संघ का खर्चा कैसे चलता है और कैसे उठाता है वही पैटर्न है पुराना संघ का यहाँ संघ होता है जबरदस्ती किसी पर यहां नहीं थोपा जाता और बहुत कम में काम चलाते हैं संघ का अगर नुकसान होता है तो वो संघ के लिए दुखदायी होता है इसलिए अगर कोई ज्यादा पैसा फालतू खर्च होता है तो उसको कहा जाता है कि ये पैसा आपने ज्यादा खर्च कर दिया ये कम में भी काम चल सकता था संघ का पैसा बचाना चाहिए संघ का पैसा बहुत कीमती पैसा होता है किसी का पर्सनल खर्च हो जाए कोई दिक्कत नहीं पर संघ में जो दाया हुआ दान है वो बहुत सही तरीके से पुराने समय से जैसे इस्तेमाल होता था जैसे चीवर के समय वैसे ही होना चाहिए तो यहाँ जो जब भी खर्चा आता है तो लोग उस खर्चे को बराबर बराबर शेयर कर लेते हैं जिसकी जितना अच्छा होती है और वो काम चला लेते हैं जैसे जूम का हमारा खर्चा है लगभग पौने सात हजार रुपए महीने का तो जूम का खर्चा जो इसके मेन स्पोक्स इस है वो स्पोक्स अपने आप जो पैसा देते हैं खाते में वो डाल देते हैं और वो हो जाता है जैसे दिल्ली की संगति लगी तो सभी लोगों ने तीन सौ रुपया दिया पर फिर भी चालीस हजार नब्बे रुपए कम पड़े तो पचास लोगों ने आठ आठ सौ रुपये देने का प्रॉमिस किया और उन्होंने अपने पैसे दे रहे हैं कुछ कुछ उन्होंने दे दिया है और वो हिसाब बराबर हो गया यानी कि सब बराबर हो जाता है यहाँ कभी कोई अकाउंट वगैरह नहीं खुलता ये संघ का नियम है इसलिए यहाँ चलता है और ये सारा पारदर्शी होता है ये सारा लिखित में होता है और ये सारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको नॉलेज में होता है वही पास करते हैं वही अपने हाथ से खर्च करते हैं वही सब कुछ तय करते हैं और वही इकट्ठा करते हैं इसकी टीमें बन जाती है जब भी कोई काम आता है इसलिए यहाँ सारा काम संघ खुद करता है क्योंकि संघ का कोई नेता वेता तो है नहीं और ना ही संघ का कोई नेता बनेगा तो संघ में टेम्प्रेरी काम करने के लिए कमेटियां बन जाती हैं कि ये इवेंट आया है तो इसको ये काम को मैं संभाल लेता हूं ये काम को आप संभाल लो ये काम को वो संभाल लेगा और सारे काम को संभाल के जैसे घर में शादी ब्याह का होता है वैसे फंक्शन को बहुत आसानी से निपटा देते हैं इसलिए समर संघ का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है पूरी तरह से पावरफुल है कि समर संघ कभी भी पब्लिक से चंदा नहीं लेगा इसलिए इतने दिन हो गए आज तेरह महीने पूरे हो गए तेरे महीने में पूरे देश और देश के बाहर में एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये कहता हो कि ये समर संघ की पर्ची है ये समर संघ ने मेरी पर्ची काटी है या ये समर संघ ने मेरी सदस्यता शुल्क काटी है या समर संघ ने मुझसे इतने पैसे मांगे हैं या समर संघ ने चंदे के लिए ऐसा कहा है या पब्लिक से ऐसा चंदा एक ना तेरे महीने में आपको मिला है और ना ही आगे तेरह साल में मिलेगा क्योंकि ये संघ अजर अमर है ये कहीं नहीं जाने वाला ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा इसमें ना कोई पहले प्रेसिडेंट दिखाई देता है ना नेता दिखाई देता है ना इसमें आज दिखाई देगा ना इसमें आगे दिखाई देगा इसलिए आपको तेरह साल बाद भी इसके अंदर कभी कोई पर्ची नहीं मिलेगी ये इसकी गारंटी है और अगर इसमें पर्ची कट गई और पर्ची छप गई तो ये संघ खत्म हो जाएगा फिर ये संगठन बन जाएगा जैसे उनतीस लाख संगठन ऑलरेडी है जैसे हमारे उनतीस लाख टुकड़े समाज के हैं वैसे ही एक टुकड़ा ये भी हमारा हो जाएगा पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि तो इसमें जो संघी लोग हैं जो अच्छे समझदार हैं वो रुक वो रुक जाते हैं वो यहीं रहते हैं और जो ना समझ हैं जिनको बहुत जल्दी पड़ी हुई है जिनको बहुत ज्यादा अचीवमेंट चाहिए जिनको बहुत ज्यादा संगठनों जैसा रिजल्ट चाहिए वो चले जाते हैं तो जो जो संगी यहाँ रुके हुए हैं वो तो पक गए हैं पूरे जैसे एक आम पक जाता है और बड़े मिठास उनके अंदर आ गई है वो अपने काम में लगे पड़े तो यहाँ जो हमारा गोल्डन रूल है कि चंदा हम क्यों नहीं लेते और क्या कारण है चंदे से क्या नुकसान है पहले ये समझें कि चंदे की बीमारी भारत में हमारे उनतीस लाख जो टुकड़े हैं जिनमें चार लाख ,00 एक्टिवेट टुकड़े हैं जिनको हम संगठन कहते हैं हमारे जो समाज के हमारे जो संघ के उनतीस लाख टुकड़े हैं जिनको हम संघ कहते हैं और चार लाख ,00 एक्टिवेट हैं जिनको हम उन टुकड़ों को संगठन कहते हैं उन संगठनों का हिसाब देखिए कि वो कैसे कैसी किस किस तरीके से पैसा वसूलते हैं और कैसे लेते हैं सबसे पहले लेते हैं वो डायरेक्ट चंदा यानी कोई कार्यक्रम आएगा जैसे बाबा साहब की जयंती आ गई या बुद्ध की जयंती आ गई या उनका कोई वार्षिक सालाना कार्यक्रम आ गया या कोई और कार्यक्रम आ गया तो उनका फिक्स पैटर्न है उनकी जो पर्चियां होती हैं वो साल दर साल फिक्स होती हैं या तो वो कूपन के रूप में होती हैं या पर्चियां काटते हैं और वो सीधे सीधे चार पांच लोग किसी के भी घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं जी हमने ये काम करना है ये काम हो रहा है और ये सामाजिक काम है और आप चंदा दो उस व्यक्ति का फिक्स पैटर्न होता है वो एक बार पांच सौ देता है अगले साल पांच सौ देता है फिर बढ़ा छह सौ देता है फिर सात सौ देता है वैसे करके वो लगातार ये प्रैक्टिस चली आ रही है कि हर साल चंदा देने देना है वो लोग आते हैं और पैसे लोग दे देते हैं लोग आते हैं और पैसे दे, दे देते हैं ये है डायरेक्ट चंदा और चंदे के जो कमाल की चीजें हैं जब आप जाओगे कि चंदे की कमाल की चीजें कहां कहां है तो आपको ताजु होगा कि इतने प्रकार का चंदा है इतने प्रकार का चंदा बना हुआ है कि जुब होता है कि हमारे लोग कर क्या रहे दूसरा होता है सामान के रूप में चंदा यानी कि जब कोई पैसे नहीं देता या पैसे नहीं लेने होते हैं तो बड़े स्मार्ट तरीके से कहते हैं कि जी आप एक चावल की बोरी दे देना आप एक आलू की बोरी दे देना आप एक काम करो टेंट का खर्चा उठा देना आप एक काम करो जी डीजल दे देना आप एक काम करो जी गाड़ी का पेट्रोल दे देना आप एक काम करो जी वहां कपड़े दे देना यानी कि वो पैसे ना लेके सामान देते हैं जो चंदे का ही दूसरा रूप होता है तीसरा होता है काम के बदले में चंदा यानी कि कोई अफसर है या कोई नेता है या कोई बड़ा आदमी है या कोई दलाल है वो आपका कोई काम कराएगा या कराने का वादा करेगा या आपने कोई काम किया है जैसे ट्रांसफर है या पोस्टिंग है या अच्छी पोस्टिंग है या कहीं कोई अपॉइंटमेंट है या कहीं कोई जमीन का कोई बात है या कोई भी काम है वो व्यक्ति आपका काम करा देगा और काम कराने के बाद में एग्जैक्ट टाइम आने पर यानी कि जो चौदह तारीख आती है चौदह जयंती है या बुद्ध की जयंती है या जो उसकी महापुरुषी को जयंती है या कोई भी दिन है या वो कुछ भी मना ले भंडारा वंडारा करने के नाम पे तो वो उनको याद रखता है कि मैंने इस इसका काम किया है ये ये मेरे पास व्यक्ति आया था और वो उस उस व्यक्ति के पास में फोन करता है कि भाई ये कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का बीस लाख का खर्चा है और आपके हिस्से में एक लाख का था यानी सब कुछ वही तय करता है काम कराने का पैसा नहीं लिया दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति ने काम कराने का पैसा लिया पर वो चंदे के बहाने काम के बहाने उससे ज्यादा पैसा ले लेता है और वो आदमी चूंकि काम उसने कराया है इसलिए काम के बदले में वो पैसा दे अपना हिसाब काट लेता है ऐसा अमूमन होता है कि जो शुरू में ऐसा लगता है कि यह आदमी बहुत अच्छा है और इसने हमारा काम फ्री में कर दिया यहाँ फ्री में कोई काम नहीं करता समय आने पर वो अपनी पर्ची और अपना कूपर वहां भेज देते हैं और उससे पैसा ले लेते हैं और एक और कमाल का चंदा होता है फोटो छापने के बदले में चंदा यहाँ एक भंते जी मुझे मिलते हैं जो सड़क पर वो कहते जी सुधीर जी मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था आप थे मिले नहीं मैंने उनको बंदामी किया नमन किया उन्होंने एक किताब मेरे को दी मैंने कहा जी बहुत अच्छी किताब है उसमें बहुत सारे फोटो थे कह रहे आपका इसमें फोटो छापना है मैंने कहा जी मेरा फोटो छाप के क्या करोगे मेरा कोई फोटो नहीं छापता और ना ही मुझे छपाना है आप ठीक नहीं नहीं आपका छापेंगे ये है वो है आप एक फोटो दे दे दीजिए और फिर कहने लगे कि आप ना एक दस हजार रुपए का इस किताब को चलाने के लिए छपाने के लिए प्रबंध करिए यानी फोटो जो छपेगा उसी कीमत है दस हजार रुपये ऐसे फोटो छापने वाले भिक्कू और ऐसे फोटो छापने वाले बहुत सारे लोग बिजनेस मैन जो छापते रहते हैं एक लड़का मेरे पास आया जो उसने कहा जी कि ये देखिए ये पर्चा है और इसमें जो बीच की जगह खाली है इसमें आपका फोटो छापेंगे मैंने कहा भाई मेरा फोटो मुझे पता है जैसे ही फोटो छापेगा अगली बार पैसे मांगेगा मैंने कहा भाई मेरा फोटो वोटू रहने दो तो मुझे नहीं छपाना रहा जी नहीं छापेंगे आप धमका इतना बढ़िया वीडियो बनाते हैं आपका जरूर छापेंगे छाप देना भाई कोई बात नहीं मैं मैं तो समझता था फिर कहना जी के वो बीस हजार रुपए आप दे दो क्योंकि ये कार्यक्रम लगाना है इसमें फोटो छापना है ये आपका पर्चा है मैंने भाई पैसे दे नहीं छपाना फोटो छापना छाप दे अब बिना पैसे के कोई फोटो छपता नहीं जितनी भी किताबें आप देखोगे जिनमें फोटो छपे हुए हैं जितने भी आप मैगजीन देखोगे जितने भी सोमनियर देखोगे और जितने पर्चे देखोगे उनके रेट फिक्स है ऊपर की लाइन में अगर आप किसी पर्चे पे पचास आदमियों के फोटो देखते हो तो पहली लाइन का जो खर्चा है वो खर्चा एक लाख दो लाख पचास हजार तक आता है यानी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर कई लोग वो लगाते हैं कार्यक्रम लगाते हैं उनके बड़े बड़े पर्चे आते हैं उसके फोटो आते हैं वो हमारे पास भी आते हैं तो वो कहते हैं जी जो पहली लाइन का फोटो है वो एक लाख से लेके पचास हजार है पहला फोटो छप्वा हो गया एक लाख का है दूसरा छप्वा होगा एक लाख का है बाद में छपा होगा पचास का और जो दूसरी लाइन है उसके जो रेट है वो बीस हजार है और जो तीसरी लाइन है और चौथी लाइन है उसका रेट दस हजार है आप बताइए और अगर मुख्य अतिथि बनना है तो उसके दो लाख है यानी कि विशिष्ट अतिथि बनना है तो एक लाख है हर चीज का मंच पे बैठने का भाषण देने का रेट है मैं जब सरकारी कर्मचारियों के परिसंघ में काम करता था तो वहां रैलियां हर साल होती थी और रैली निकालने वाले हमारे जो लोग थे उनका यही सिस्टम था तो वहां वो पैसे लिया करते थे तो कई चालाक आदमी होते थे वो उस समय पैसे नहीं देते थे जब वो देखते थे कि कुछ हजार दो हजार आदमी वहां रैली में हैं और उनको फिर भाषण देने का मन करता था तो वो कहते थे मेरा भाषण कराओ मेरा भाषण कराओ कहते थे उन्होंने तो पैसे दिए नहीं हमने करा दिए तो वो जेब में से अंदर वाली जेब में से पैसे निकाल के देता था जो उसका हिस्सा रहता मैंने अपनी आंखों से देखा है बीस हजार रुपए उससे मांगे थे और जब उसे बोलने की घुड़ा लगी और जब बोलने का चस्का लगा जब उसे भाषण देने की बीमारी बढ़ गई उसकी तो उसने अंदर की जेब से निकाल के तुरंत दिए वहां के जो पदाधिकारी थे उन्होंने फटाफट वो BCR गिने और उनको माइक लगा दिया जाओ बोलो ये ये काम चलता है ये जो समाज है वैसे ही गड्ढे में नहीं गया है आप सोचो कि समाज वैसे ही गड्ढे में चला गया चंदा इसका प्रमुख कारण है ये चंदे का धंधा इसका इतना प्रमुख कारण है जिसका आप सोच नहीं सकते किताबों के पीछे जो नाम आते हैं कि उसने इतना पैसा दिया वो जिसका जितना ज्यादा पैसा होता है उसका नाम छपता है और उसका फोटो छपता है जो ज्यादा पैसा देता है हर पोस्टर हर अखबार में यहां धंधा है कि यहाँ एस्टीमेट लगाते हैं कि ताल कटोरा कार्यक्रम कितने का है कि बीस लाख में कार्यक्रम हो जाएगा खाना पीना सब लगा के और तीस लाख का एस्टीमेट लगाते हैं और फिर फोटो छपते हैं और फिर लोगों से चंदा लेते हैं नाम हजार हजार रुपए में लिखा जाता है यानी अगर बड़ा पोस्टर है उस पर खाली नाम लिखवाना है फोटो नहीं है तो हजार हजार रुपए का है वो तीस लाख आप तो उसमें काउंट कर सकते हैं कि तीस लाख रुपए में कितने नाम और कितने फोटो छपे ये धंधा है धंधा ये छोटे हैंडबिल से लेकर बड़े पेम्पलेट तक ये धंधा है इसलिए आप जब इसमें गहरे उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो मौत हुई है और हमारे जो अधिकार गए हैं उन अधिकारों के जाने में हम शामिल हैं अधिकार फैसी नहीं गए किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो अधिकार छीन लेता पर हम इतने ज्यादा चंदे के धंधे में घुस गए और पैसेबाजी में घुस गए और चंदा देते रहे और और फोटो छपाते रहे हमें होश ही नहीं रहा कि हमारे कब सारे के सारे अधिकार चले गए आप ध्यान देना जब भी कोई पोस्टर जब भी कोई बैनर जब भी कोई मैगजीन आए तो उसमें कितने फोटो छपे कितने नाम छपे कोई किताब है उसके उसके पीछे कितने दान दाता है देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर कॉमन है क्योंकि चंदा देकर फोटो खिंचवाने वाले बड़े आरामदायक हैं वो कहते हैं कि हम समाज में जाएंगे लोगों की खुशामद करेंगे लोगों से बात करेंगे हम उनसे कहेंगे हमारा भाषण सुनने आओ हमें नहीं करना ये काम हम तो एक लाख रुपया देते हैं ऑर्गेनाइजर को और उसमें विशिष्ट अतिथि का और मुख्य अतिथि का और मुख्य वक्ता का फोटो छपवाते हैं और वहां जाके शान से मंच पर बैठते हैं और हमारे मन में जो होता है बोल के चले आते हैं जो ऑर्गेनाइजर है उसका काम हो जाता है उसे दस बीस लाख बच जात जाते हैं हमारा भाषण हो जाता है पब्लिक जाए भाड़ पे पब्लिक को पता ही नहीं कि उसके क्या हुआ पब्लिक सोचती है कि दो रोटी पूरी खा के काम हो गया और वो फ्री की पूड़ी और फ्री की जो खीर होती है फ्री का जो खाना उसके लिए वो पूरा दिन वहां दे आते हैं और पूरे दिन में वो पूरा पूरा मिशन वहां पे जाकर बेच आते हैं ये पब्लिक पब्लिक बेचती है पब्लिक। अगर पब्लिक जाना बंद कर दे तो चंदा का धंधा और भाषण का धंधा तुरंत का तुरंत बंद हो जाए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं एक होता है प्रचार के बदले में चंदा प्रचार के बदले में चंदा क्या है हमारा फ्लैक्स लगा दो हमारा बोर्ड लगा दो हमारा चंदा ले लो या बीच में हमारा एडवर्टाइजमेंट कर दो जी फलाने आदमी जो है वो उनका इन्वर्टर बहुत अच्छा है फलाने आदमी की मोटरसाइकिल की दुकान बहुत अच्छी है फलाने के लोग इतने अच्छे हैं हमारा बीच में प्रचार कर दो तो वो बीच बीच में उनका नाम लेके प्रचार करते रहते हैं कि ये हमारे बहुत बड़े आदमी है ये हमारे ऐसे हैं या उनके फ्लैक्स बोर्ड रहते हैं या बोर्ड में उनके नाम रहते हैं या नीचे उनकी टैग रहती है ये प्रचार के बदले में चंदा चलता है यानी कि वो व्यक्ति वहां मंच से अपना प्रचार करवाता है अपनी बात रखवाता है और इसके बदले में जो ऑर्गेनाइजर हैं और जो काम करने वाले हैं जो नेता हैं उनको वहां पैसा मिलता है इसका एक होता है दबाव का धमका कर डरा कर चंदा यानी कि कोई पावरफुल आदमी है और वो बहुत ज्यादा दबंग है या उसके हाथ में पावर है और मजबूरी में क्या बोलते हैं आपको चंदा देना पड़ेगा क्योंकि आपको ये रहेगा कि अगर हमने इसको कहने पर चंदा नहीं दिया पर्ची नहीं कटवाई तो ये हमारा कोई ना कोई नुकसान कर देगा इसको ब्लैकमेलिंग चंदा बोल सकते हैं ये दबाव का और ये मजबूरी का ये धमका कर लिया वो चंदा होता है ऐसे चंदे अधिकतर कुछ लड़के इकट्ठे हो जाते हैं सड़क पर जो कहते हैं कि हमें यहाँ एक इमारत बनानी है हमें यहाँ कुछ ही चीज बनानी है या जहाँ हेर आर की सिस्टम होता है कि ऊपर कोई दबंग आदमी है कोई दबंग है कोई अफसर है कोई बदमाश है कोई कुछ है और वो जबरदस्ती कहेगा चंदा लेना है या मोहल्ले के कुछ दादा हैं जो चंदा वंदा लेने के लिए आ जाते हैं वो चंदा लेते हैं उसको दबाव का उसको धमका कर उसको मजबूरी का चंदा बोलते हैं जो डरा डरा कर मिलता है एक होता है मानसिक रूप से डरा कर लिया वो चंदा यानी कि जब वो कहते थे कि अगर तूने चंदा नहीं दिया तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा तेरे बच्चों का ऐसा हो जाएगा तेरा ऐसा हो जाएगा ये चंदा सड़क पर अधिकतर जो भिकारी लोग हैं या जो घरों में बाबा सावा से आते हैं ये भैरूपी है, वो कहते हैं कि तेरा ये भला होगा तेरा ये भला होगा और नहीं देगा तो तेरा बुरा होगा ये मानसिक रूप से डरा के चंदा जगह 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 छोटी मात्रा में बड़ी मात्रा में होता है और इसका धंधा चलता है जब आप हाथ दिखाते हो जब आप अपने भविष्य के बारे में पूछते हो तो भविष्य देखने वाला वो आपको मानसिक रूप से डरा देता है और फिर कहता है कि कुछ पैसा दोगे तो मैं इसका उपाय बताऊंगा वो मानसिक रूप से डरा कर लिया हुआ चंदा होता है और एक होता है लालच का चंदा लालच का चंदा ये है कि आपको कहीं ये उम्मीद हो गई कि आपको कुछ पैसा इससे मिलेगा कोई काम इसका हमारा काम ये कर देगा हमारी बात कुछ हो जाएगी तो वो चंदे के रूप में उससे चंदा ले लेते हैं ताकि लोगों को ये उम्मीद रहती है कि हमें कुछ ना कुछ इससे मिलने वाला है और सबसे खतरनाक जो चंदा चल रहा है वो चल रहा है कमीशन वाला चंदा ये कमीशन वाला चंदा इतना खतरनाक है कि आज के समय हमारे कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं सामाजिक जिनको संगठन बोलते हैं जो चल रहे हैं जिनके फुल टाइमर काम पर लगे हुए हैं उनको फोर्टी सिक्सटी का कमीशन मिलता है कि आप पूरे दिन में अगर दस हजार रुपये इकट्ठा करोगे तो चार हजार तुम्हारा और छह हजार तुम इधर जमा करा दो और लोगों ने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए जबकि किसी मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है लोग ही तो इकट्ठे करने हैं पर लोगों ने बैंक बैलेंस बना लिए ये फुल टाइमर जो हैं ये इतना शातिर होते हैं चंदा इकट्ठा करने में कि जब ये आते हैं तो आपको मजबूर कर देते हैं आपको दुनिया भर की दास्तान सिखाएंगे कि आपका ये 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 फिर आपसे कहेंगे कि आप तो घर में बैठे हो क्रांति हम कर रहे हैं अरे तुम घर में बैठे हो तो कम से कम हमें पैसा तो दो ये जो बाबा साहब ने कहा है बीसवा हिस्सा देना है पांच देना है इसको कहाँ लेके जा रहे हो सोसाइटी सिखाएंगे बाबा साहब का कोटेशन दिखाएंगे बाबा साहब के चार बच्चे कुर्बान हुए उसकी कहानी सुनाएंगे उसके बाद आपको धमकाएंगे डराएंगे फिर आपको सामाजिक डर दिखाएंगे फिर कहेंगे कि थोड़ा पैसा जाने में तुम ये घर में बैठे हो स्कूटर चला रहे हो कार चला रहे हो तुमसे दस हजार रूपये नहीं नहीं दी जाते ऐसे कहानी करके वो हर साल हर साल ले जाते हैं और आपको नहीं पता चलता पर वो उनकी रोजी रोटी हो चुकी है मिशन मूवमेंट एक तरफ है उनको तनख्वाह मिलती है साथ ही उनको अप्रिसिएशन यानी कम भी मिलता है दोनों तरह से चलता है खाली कमीशन पे चलता है खाली चंदे जो खाली तनख्वाह उस पर चलता है और दोनों का मिक्स भी चलता है और यूट्यूब के भिकारी हैं जो यूट्यूब पे होते हैं वो हर वक्त आपसे कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे जो यूट्यूब पे वो हमेशा आपसे पैसे मांगते रहेंगे मेरा यूट्यूब बंद हो रहा है मेरा यूट्यूब शुरू हो रहा है कोई व्यक्ति अगर उनसे जाता है और जाके कहता है कि भाई आप बड़ा अच्छा काम करो यूट्यूबर हम आपका काम को प्रशंसा करते हैं और वो आसामी भावते ही कहते हैं अरे मेरा मोबाइल खराब हो गया है आप एक मेरे को मोबाइल दिला सकते हैं एक केस मेरे पास आया एक बहुत बड़ा आदमी जो पहले कभी छोटा सा था जो बिहार का है उसने किससे मोबाइल ले लिया वो बंदा है वो हमारे यहाँ मीटिंग में भी आता है वो कहता है जी सुधीर जी मैंने इस आदमी से पूछा कि तुझे कुछ चाहिए तो मैं मदद करूं इसने कहा जी मुझे एक मोबाइल दिला दो और मैंने इसको मोबाइल क्या कहा कि भाई मुझे मॉडल बता दे मैं ला दूंगा इसने कहा जी कि मेरे को अभी दिलाओ तो मैंने कहा अभी तो पैसा है नहीं तो उसने कहा जी एटीएम से दे के दो खेरा जी मैंने एटीएम से निकाल के इसको चौबीस हजार रुपया दिया और अगले दिन मैंने देखा कि ये किसी और से मोबाइल मांग रहा था और उसके साथ शराब भी पी रहा था मैं इतना दुखी हुआ मानसिक रूप से इतना दुखी हुआ इतना परेशान हुआ कि मैंने इसकी मदद की ये सोच के कि इसके पास मोबाइल नहीं है ये तो रोज ही मोबाइल मांगता है रोज मोबाइल मांगता है रोज मोबाइल मांगता है ये धंधे हैं जो चंदों के हैं ऐसा नहीं है यही मिशन मूवमेंट खाली यहां नहीं चल रहा है मिशन मूवमेंट के साथ साथ में लोगों ने धंधे चला रखे हैं इससे उनको परेशानी है जो सच में परेशान है क्योंकि जो सच में परेशान है वो शर्म के मारे कह नहीं पाते और बेसरम लोग रोज मांग मांग के चंदे मांग मांग के मांग मांग के रोज ले जाते हैं और रोज वो अपने चैनलों पर मांगते हैं ये चलता रह जाता है और एक होता है चंदा कि जब ये कहते हैं कि जी हमको कुछ किताब छपानी है कलेक्टिव या हमको कुछ कलेक्टिव सामग्री लेके आनी है और उसमें वो सारे के सारे चंदे मांगते हैं काम करते हैं कुछ और चंदा लेते हैं पब्लिक से यानी किताब की कीमत भी लेंगे और चंदे के नाम पे किताब छापने का पैसा भी ले जाएंगे इसके अलावा और भी बहुत सारे चंदे के धंधे हैं चंदे लोग ले रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है वही ये कहे कि जी आपको चंदों से क्या दिक्कत है हमें कोई दिक्कत नहीं हमें परेशानी ये है कि आप करोड़ रुपए ले जाओ समाज के खा जाओ कोई दिक्कत नहीं है पर अधिकार क्यों ले गए ये जो उनतीस लाख जो टुकड़े हैं जो चार लाख टुकड़े हैं जिनको आप संगठन बोलते हो इन संगठन को चलाने वाला जो फूड पाइप है इनको चलाने वाला जो भोजन का पंप है जो पाइप है जो इनकी फूड चेन है जो इनकी सप्लाई है जिससे जीवित रहते हैं वो चंदा है और चूंकि चंदा इनको लगातार मिलता रहता है पैसा लगातार मिलता रहता है इसलिए ये बंद नहीं होते और ये बंद नहीं होते तो ये अलग अलग टुकड़े हैं तो ये टुकड़ों में रहेंगे ये कभी इकट्ठे होंगे नहीं और अगर ये इकट्ठे नहीं होंगे तो संविधान हमें अधिकार नहीं देगा क्योंकि तो संविधान ये कहता है मुझे द पीपल चाहिए मुझे उनतीस लाख टुकड़े नहीं चाहिए जिनको आप संगठन कहते हो मुझे चार लाख एक्टिवेट संगठन नहीं चाहिए जिनको आप संगठन कहते हो वो टुकड़े हैं बेसिकली समाज के संगठन नहीं है मेरे को समाज टुकड़ों में नहीं चाहिए मुझे विदा पीपल चाहिए जितनी जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी संविधान में हिस्सेदारी बाबा साहब लिखे गए हैं ले जाओ अपनी हिस्सेदारी तो हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलेगी जब तक ये टुकड़े अलग अलग रहेंगे जिनको संगठन कहते हैं और जब तक ये टुकड़े इनको रसद मिलती रहेगी जब तक इनको खाना मिलता रहेगा जब तक इनको चंदा पैसा मिलता रहेगा ये एक नहीं होंगे क्योंकि एक जब होंगे जब ये खत्म होंगे और खत्म तब तक नहीं हो सकते जब तक आप इनकी चंदे की पाइपलाइन को काट ना दो इसलिए हमें पाइपलाइन काटनी जरूरी है क्योंकि दो तरीके हैं इन संगठनों को इकट्ठा करने के पहला तरीका है रिक्वेस्ट करने का वो हमने करके देख ली रिक्वेस्ट नहीं मानते हैं तो जोर जबस्ती करें तो जोर जबस्ती के लिए हमारे पास में ना साधन है ना हमारे पास में फोर्स है और ना ही हमें बाबा साहब कहते हैं कि आपने बल बल प्रयोग करना है इसलिए हम डंडे के बल से या जोर जबस्ती से इनको इकट्ठा नहीं करना चाहते तो फिर दूसरी जो अंतिम बात है वो बची हमारे पास में कि हम इनको चंदा दें ही ना और इनसे कहें कि चंदा देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब ये जो हम सेंटेंस बार बार बोलते हैं कि चंदा देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब इसलिए उसने आज मुझसे लड़ाई की क्योंकि तो यह सेंटेंस हर आदमी के कान में पहुंच चुका है और आप लगातार इस सेंटेंस को बोलते जा 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 रहे 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 हैं वीडियो बनाते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं 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 बताते पोस्ट बनाते बनाते वीडियो लिखते तो उनको इकट्ठा होना पड़ेगा और उनके ईगो हिले पड़े हैं वो ना तो अपनी कुर्सी छोड़ना चाहते हैं ना अपना पद छोड़ना चाहते हैं ना ही वो अपने संगठन को खत्म करना चाहते हैं तो वो नई नई तरकीबें लगा रहे हैं कि आओ संगठन संगठन खेलते हैं यानी संगठन संगठन को इकट्ठा करते हैं संगठनों को इकट्ठा करते हैं भाई संगठन को इकट्ठा करके भी संगठन ही बनेगा कूड़े के ढेरों को इकट्ठा करोगे तो कूड़ा ही तो बनेगा और भोजन थोड़ी बन जाएगा जितना काम संगठनों ने करना था वो कर लिया और जितना बेड़ा गर्क करना था उतना बेड़ा गर्क कर दिया क्योंकि अगर ये सारे टुकड़े एक साथ इकट्ठे हो जाते तो संघ बन जाते और संघ बन जाते तो हम जीत जाते इसलिए कोई कहे कि संगठनों को आप ऐसा क्यों कहते हो अरे भाई संगठनों को तो हम बहुत कम कहते हैं आप दुनिया में किसी भी आदमी को बैठा लो किसी भी एनालिसिस करने वाले वा, को वा बैठा लो अंग्रेज को बैठा लो किसी काले को अफ्रीका से ले आओ किसी गोरे को ले आओ किसी अरबी को ले आओ किसी जापानी को ले आओ और उससे ये पूछो कि एक ही विचारधारा के अगर उनतीस लाख संगठन हो तो उनसे फायदा होता है या नुकसान होता है हमारी तो छोड़ो बात किसी भी किसी भी दुनिया के आदमी से फिलोसफर से जानकार से पूछो कि तेरे देश के अगर उनतीस लाख टुकड़े कर दिए जाए तो तेरे देश को फायदा होगा या नुकसान होगा अगर वो ये कहता हो कि उनतीस लाख टुकड़े करने से फायदा होता है उनतीस लाख टुकड़े करने से देश बसता है उनतीस लाख टुकड़े करने से संघ समाज बसता है तो हम कहना छोड़ दें और अगर ये बात सच है तो हमको पूरी ताकत से कहना चाहिए पूरे जोर से कहना चाहिए कि पैसा देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब और इकट्ठे होने का रोज रोज उनको बोलना चाहिए और उनकी जो छटपटाहट है वो इस बात की है कि वहां के जो लोग हैं वो समझ जा रहे हैं जो कार्यकर्ता है वो समझदार हैं वो समझते जा रहे हैं और वो समर्थस में आते जा रहे हैं नेता की बड़ी भारी दिक्कत है क्योंकि नेता ने तो गारंटी ली हुई है समाज को इकट्ठा करने की और नेता तो अपनी फेलियर को कैसे कहे कि समाज इकट्ठा नहीं हुआ समाज तो बर्बाद हो गया टुकड़े क्या ये जो ईगो उसकी प्रॉब्लम है ये उसके साथ है वो जाने उसका काम जाने पर हमें अपना काम बढ़ा देना चाहिए इसलिए ये जो गोल्डन नंबर दो जो रूल दो है कि ना चंदा लेंगे और ना चंदा देंगे ये इतना जबरदस्त है इस पूरे समर्थ संघ की आज के समय की ये जान है आज के समय की ये प्राण वायु है अगर आप इसकी सांस तेज लोगे तो आपकी ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे क्योंकि लोग तेजी से इकट्ठे जब होंगे जब उनको रोकने वाले लोग मारे जाएंगे ऐसे ऐसे संगठन है जो संगठनों ने अपने लोगों को रोक रखा है कि आपको समर संघ की मीटिंग में नहीं जाना है ना ही समर संघ की बात सुननी है ना ही समर संघ की वीडियो है और अगर समर संघ की वीडियो यहां आ गई तो आपको निकाल दिया जाएगा ऐसे ऐसे लोगों ने प्रपंच दसे हुए हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये और आता जाएगा क्योंकि तो कोई भी मरना नहीं चाहता जितने भी ये संगठन है ये मरना नहीं चाहते पर इनको मरना पड़ेगा क्योंकि तो ये मरेंगे नहीं तो हमारे बच्चे बचेंगे नहीं तो इनको मरने के लिए हम ऐसा नहीं कहते कि ये निष्ठा हो जाए हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई आप भी ये कहते हो कि इकट्ठे होना है और संघ भी ये कहता है कि सबको इकट्ठे होना है अंतर कहाँ आ रहा है या तो आप संघ बन जाओ हम इस समर्ण संघ को आज ताला लगा कह देते कि भाई हमारा संघ तो वही है जहां सारे हैं वहां हमारा संघ है हमें जरूरत ही नहीं है और या फिर आप अपने आप को सोचो और अपने कार्यकर्ताओं को मुक्त करो और आजाद करो उनकी सोच को खोलो संविधान ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए आपने अपने कार्यकर्ता की अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला लगा दिया उनको बोलने नहीं देते उनको सोच नहीं देते उनको कोई काम नहीं करने देते उनको इकट्ठा नहीं होने देते किसी को इकट्ठा नहीं होने देना उसको एक तरह से जेल में डालना है उसकी जेल से आजाद करिए बाबा साहब ने सबको आजाद किया है जिसको जहां जाना है वो जाए जैसे समर संघ ने सबको आजाद कर रखा है कि जिसको जहां जाना जाए जो करना है करे क्योंकि अल्टीमेटली आएगा संघ में ही संघ के अलावा कहीं मुक्ति है नहीं क्योंकि तो संघ को ही नमन करना पड़ेगा संघ को ही नमामि करनी पड़ेगी संघे ही शक्ति होती है जो जो जुड़े हैं जहां जहां जुड़े हैं वो जीते हैं दुनिया में जिन्होंने संघ बनाए हैं वो बड़े मौज ले रहे हैं वो मजा ले रहे हैं वो हर चीज उनके पास है और जिन्होंने संघ नहीं बनाए वो अकेले अकेले घूम रहे हैं जिन्होंने संघ बनाए वो पिटाई कर रहे हैं और जिनके संघ टूट गए जो अकेले घूम रहे हैं वो पिट रहे हैं दुनिया का नियम है कि संघ हमेशा पीटता है और जो संगी नहीं है जो असंग है वो हमेशा पिटेगा यानी कि जो इकट्ठे रहेंगे वो हमेशा पीटेंगे और जो अलग अलग रहेंगे वो हमेशा पिटेंगे ये नियम है दुनिया का किसी समय हम पीटने वाले थे अशोक सम्राट के समय हम राजा थे हम सेना थे हम भगवान बुद्ध के वंशज थे हम को चलाने वाले थे हम वैज्ञानिक थे हम इंजीनियर थे और हमारा संघ था आज वो नहीं है तो हम बिखरे बिखरे घूम रहे हैं मारे मारे घूम रहे हैं पर बाबा साहब ने हमको भारत गणराज्य संघ का वही मॉडल वही संविधान सम, फिर दिया है जो हमारा पुराना था और वही हमारा लीडर है पुराने नियम ही बाबा साहब ने उसमें उसने उसमें डाले हैं तो वो भी संविधान ये ये कहता है कि हमको इकट्ठा होना है हम रिपब्लिक हैं गणतंत्र हैं तंत्र का मतलब है कि इकट्ठे होने का तंत्र है हमको इकट्ठा होना है क्योंकि जो जो इकट्ठे हुए हैं वो हमेशा जीते हैं और जो जो इकट्ठे नहीं हुए हैं वो हमेशा पिटे हैं हमको पिटना नहीं है हमको पीटना है हमको बचना है इसलिए हमको बहुत तेज इकट्ठा होना पड़ेगा आप अपने अपने यहां जितनी हो सके संगति कराइए क्योंकि संगति वाले ही जीतेंगे जो संगति करा रहे हैं कंसेप्ट सुनने से आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि हमको क्या करना है पर अगर करेंगे नहीं कंसे तो पैसे हजारों आते रहेंगे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहो बहुत सारे भाषण बाज आए चले गए बहुत सारे कंसेप्ट देने वाले आए चले गए तो आप तो माइक उठा लो बाबा साहब ने ये कहा बाबा साहब ने वो कहा बाबा साहब ने ये कहा बाबा साहब ने यो कहा कान हमारे पक गए पर बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो ऑर्गेनाइज रहो उसके लिए कोई नहीं आया और ना ही कोई हुआ सारी फिलोसफी बेकार है जो बकवास है जो भाषण दिए जा रहे हैं एक ही काम सच्चा है कि जो जो इकट्ठे हुए हैं उनके पास दुनिया की सारी चीज सारी फिलोसफी सब चीज आ जाती है और जो इकट्ठे नहीं होते वो मारे जाते हैं मरना है तो अलग अलग रहो और अगर जिंदा रहना है तो संघे शक्ति है संघ में आना ही पड़ेगा यही हमारी जीत है यही हमारा नियम है और यही हमारा गोल्डन नंबर दो है आप अच्छा इसका रट्टा मान लो कि हमारा गोल्डन नंबर वन क्या है टू क्या है क्योंकि हमको संघ के बारे में यही बताना है आगे और यही हम चलेगा इसको डेवलप करके धन्यवाद संघंग नमामि आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं आप अपने फेसबुक पे अपने पेज पे अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूट्यूब भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूंजी आपकी है धन्यवाद रेण गच्छामि